हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन तक। मैं तो फ्रेंड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वैसे छात्र जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया यूजी पार्ट वन में, तो फ्रेंड उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। उन सभी छात्रों का अब एडमिशन होगा स्पॉट राउंड प्रक्रिया के तहत। तो फ्रेंड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कब से आपका स्पॉट एडमिशन होगा और उसका क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से आप स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया को बताऊंगा, फुल प्रोसेस को, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल के बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रखा है जो कि 24/10/2019 की डेट में जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिस फॉर एडमिशन यूजी एंड पीजी वोकेशनल कोर्स के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन कल ही जारी किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है, देख सकते हैं। ओपन ऑफर लेटर को जारी कर दिया गया है। उस ओपन ऑफर लेटर को जारी डाउनलोड करके आप अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए पूरी प्रोसेस को बताते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया, इसका मैं हिंदी करके आपको बताता हूँ पूरी नोटिफिकेशन को। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसका हिंदी में करके आपको बता रहा हूँ पूरी, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सके। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार से स्पॉट राउंड के तहत आपका एडमिशन होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इस ऑनलाइन आवेदन किए होंगे तभी आप इसी के स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं किए होंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो उसके बारे में बताऊंगा कि आपका, अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं तो उनके लिए क्या करना होगा। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में जो छात्र एवं छात्रा आवेदन किए थे वो उनका नामांकन अभी तक नहीं हुआ, यानी कि ऑनलाइन आवेदन किए थे और आपका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, नामांकन नहीं हो पाया, तो वैसे छात्र छात्राओं के लिए 17/2019 से 22 में आप एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर दिया गया। देखिए विषय दिया गया स्पॉट एडमिशन के संबंध में। तो स्पॉट एडमिशन के तहत ध्यान देने वाली खास बात है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख ले किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली, यानी कि आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पर जाकर आपको देख लेना है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली। उसके बाद आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर, यानी कि जो आप ऑनलाइन आवेदन किए थे उसमें आपको लॉगिन आईडी मिला होगा और पासवर्ड मिला होगा, उसे आप वहां पर लॉगिन करके ओपन ऑफर लेटर वहां पर दिया गया है, जारी कर दिया गया है, उसे आप डाउनलोड कर लेना है, उसको निकाल कर और उसमें पूरी वहाँ पर जो डिटेल मांगा जा रहा है उसमें भर कर आप जो कॉलेज में सीट खाली उस कॉलेज में आप जाकर नाम जमा कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर नामांकन होगा, पहले आओ पहले पाओ के तहत नामांकन होगा, यानी कि आप पहले जमा करते तो आपको पहले नामांकन होगा, तो पहले आओ पहले पाओ के तहत आपका एडमिशन होगा। अब फ्रेंड बात करते हैं कि यह कब से स्टार्ट होगा। तो आज ही से, यानी कि 25/10/2019 से आप इसे ओपन ऑफर लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं इसका ऑफिशियली वेबसाइट से। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, शेड्यूल ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म एंड टेकन एडमिशन इन यूजी एंड पीजी वोकेशनल कोर्स, यानी कि पीजी वोकेशनल के छात्रों के भी लिए यह मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए स्टार्ट ऑफ एडमिशन, यानी कि 25/10/2019 से आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आज से आप स्पॉट राउंड के तहत आप कॉलेज में आवेदन जमा कर सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट दिया गया है 15/11/2019, यानी कि आपका एडमिशन के लिए लास्ट डेट दिया गया है 15/11/2019 तक। और फिर अब बात करते हैं, जिन छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन नहीं किए थे तो उन छात्रों के लिए भी खुशखबरी है, उन आप ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। पहले इसका पाटलिपुत्र के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद आप नामांकन हो जाने के बाद वहां से आप ओपन ऑफर लेटर को डाउनलोड करके आप भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, स्पॉट राउंड के तहत आप भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यहां पर दिया गया है, आपसे आज ही से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है 25/10/2019 से, देख सकते हैं। और यहां पर लास्ट डेट दिया गया है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 25/15/11/2019 तक आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसका ऑफिशियली वेबसाइट से। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आप पूरी प्रक्रिया को समझ गए होंगे। तो अगर आपको कोई भी
सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास जिन छात्रों का अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है, उन छात्रों के पास जरूर से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।